हेलो फ्रेंड्स, तो दिस इज़ यस सर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसके पहले ऑलरेडी मैंने ग्रुप 13, 14 और 15 पे पार्ट वन की वीडियो बना रखी है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है अब तक, तो ज़रूर जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में और फिर आ जाइए इस वीडियो पे। और अगर आपने देख लिया है तो कोई बात नहीं, जस्ट बी रेडी विथ योर पेन एंड नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। हम फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ द प्राइमरी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ये सारे एलिमेंट्स के प्राइमरी केमिकल प्रॉपर्टी है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है चार्ज जो कि एक आटम पे आता है उसकी फ्री या फिर कंबाइंड स्टेट में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सपोज़ एक कोई एक आटम ए है और यहाँ पे कोई एक आटम बी है। अगर ए कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी ए का इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली अपनी तरफ खींच लेगा। अगर अगर ए एक मेटल है और बी एक नॉन मेटल है, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा फिर ए प्लस और बी माइनस। मतलब बी पे आया माइनस वन का चार्ज और ए पे आया प्लस वन का चार्ज। तो ये तो हो गया मेटल और नॉन मेटल के बीच में और ये बन गए आयन। तो चलिए, जैसे कि हम जानते हैं पी ब्लॉक इज़ द ग्रुप वेयर मेजॉरिटी ऑफ़ द एलिमेंट्स आर नॉन मेटल। तो हम नॉन मेटल में कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो देख लेते हैं। आई होप आपको पता चला होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स कम्बाइंड और फ्री स्टेट। तो देखिए यहाँ पे सपोज मैं ले लेता हूँ एक एटम ए और यहाँ पे बी। सपोज ए और बी के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है, ए और बी के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है। मैंने जो पहला एग्जांपल लिया था वो आयनिक बॉन्ड का था, भले मैंने स्टार्टिंग में उसे एक डंडी से दिखाया था, मतलब बॉन्ड की तरह। तो सपोज़ ये कोवलेंट बॉन्ड है, ए कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बी ज़्यादा, तो ए पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव और बी पे आएगा डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को बी अपने साइड ज़्यादा खींच के रखता है। तो ये कुछ इस तरह से होता है। तो ये स्लाइड पॉजिटिव और ये आ गया स्लाइड नेगेटिव, ठीक है। ये जो चार्ज है इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, बट हम इसे पार्शियल के बदले कंप्लीट दिखाते हैं, दैट इज़ कंप्लीट माइनस वन और कंप्लीट प्लस वन, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है। द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हेन ऑल इट्स बॉन्ड्स आर ब्रोकन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मतलब कि एक एटम पे क्या चार्ज आता है जब उसके सारे बॉन्ड को हम तोड़ देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से। चलिए इसके लिए मैं इसी फैमिली का एक एग्जांपल ले लेता हूँ जो कि है BF3। तो यहाँ पे देखिए BF3 जो है इसमें बोरॉन ने तीन बॉन्ड बनाए हैं, किसके साथ, जी हाँ फ्लोरीन के साथ। अब बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम सब जानते हैं बोरॉन इज़ 5, दैट इज़ 1s2, 2s2 और 2p1। तो ये उसका सेकेंड शेल है, तो सेकेंड शेल में ये दो इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन। सर आपको कैसे पता चला सेकेंड शेल, ये देखिए बच्चों ये दो दो है तो टोटल तीन इलेक्ट्रॉन, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, जी हाँ फ्लोरीन खींच लेगा। तो बोरॉन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, +3। कब कब, जब आप इस कोवलेंट बॉन्ड को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस से तोड़ देंगे। और फ्लोरीन पे क्या आ जाएगा, जी हाँ -1, -1 और -1। तो आप ऐसा मान के चलिए कि हमने सारे कोवलेंट बॉन्ड को उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के हिसाब से तोड़ दिया, तब जो चार्ज आया उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे आ जाएगा बोरॉन पे +3 और हर एक फ्लोरीन पे आएगा -1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए लगे हाथ हम देख लेते हैं और भी बाकी सब एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए लिखा है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ SnP इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दैट इज सम ऑफ S इलेक्ट्रॉन एंड
पी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और पी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो डिपेंड करता है वो एलिमेंट कौन से ग्रुप का है, बोरॉन का है कि कार्बन का है कि नाइट्रोजन का है। दिस इज समटाइम कॉल्ड दी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। जैसे अगर आप बोरॉन फैमिली का एग्जांपल लेते हो, उनके सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन NS2 NP1 होता है, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तीन, तो उनका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, जी हाँ +3। ठीक उसी तरह कार्बन फैमिली का क्या हो जाएगा, +4, एंड नाइट्रोजन फैमिली का क्या हो जाएगा, +5। इन बोरॉन कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिलीज द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर हायर एलिमेंट। सो ये हायर एलिमेंट मतलब ग्रुप में जो ऊपर हायर है, या फिर आप उसे बोल सकते हैं लाइटर एलिमेंट जो हल्के हैं, जैसे बोरॉन हुआ लाइटर एलिमेंट, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे लाइटर एलिमेंट हैं अपने ग्रुप के। बिसाइड्स द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15 एग्जिबिट अदर ऑक्सीडेशन स्टेट विच आर लोअर देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा जो लोअर मेंबर हैं वो और भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं जो कि डिफ़र करती है 2 यूनिट से। तो मान लीजिए बोरॉन फैमिली का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो बाकी के कुछ मेंबर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस आप देख सकते हैं, 3 और 1 के बीच का डिफरेंस होगा 2। ठीक उसी तरह से कार्बन का होगा +4 और जो लोअर मेंबर होंगे उनका हो जाएगा +2। अब ये भी डिफरेंस 2 है, और नाइट्रोजन फैमिली में +5 और +2, या फिर +5 एंड +3, या फिर -5 एंड -3। ठीक है, ये कितने का डिफरेंस है, जी हाँ 2 का डिफरेंस है। चलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा। द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स इंक्रीजिवली स्टेबल। जैसे जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। जैसे बोरॉन फैमिली में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। कार्बन में +2 है और नाइट्रोजन में +3 है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप टू हेवियर एलिमेंट्स, टेबल 9.5 शोज वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप। अब हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। तो इस फेनोमेना को मैं एक्सप्लेन करूँगा उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन से। तो ज़रा देखिए, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखिए। सबसे पहले वाले हम छोटे मेंबर्स के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, जो लाइटर एलिमेंट होते हैं हर एक फैमिली का पहला मेंबर। तो देखिए उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं है। बट जैसे ही आप फोर्थ पीरियड पे आते हैं, तो देखिए ये फोर्थ पीरियड वाले एलिमेंट है, गैलियम, जर्मेनियम और आर्सेनिक। इनके अंदर देखिए क्या आ जाता है, इनके अंदर आ जाती है 3D ऑर्बिटल। ये देखिए यहाँ पर सारी ये क्या आ गए, 3D ऑर्बिटल। और हम सब जानते हैं कि 3D ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उसकी शील्डिंग ख़राब होती है। इलेक्ट्रॉन क्या होती है, शील्डिंग ख़राब होती है। तो मतलब थर्ड पीरियड ऑनवर्ड, आई मीन टू से 3D सीरीज, या फिर आप कह सकते हैं फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड्स जो इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग है वो ख़राब होने लगती है। और अगर इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग ख़राब होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है, जी हाँ 4s2 4p1, और इसमें कौन है 4s1 4p2 4s2 4p3। अगर मैंने 4s1 कहा हो तो माफ़ी चाहूँगा, सब में 4s2 4p1 4s2 4p2 और 4s2 4p3 इलेक्ट्रॉन है। और अगर आप देखें तो 4s के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं बट p के इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इस फैमिली में अगर आप देखेंगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन फैमिली में, और नाइट्रोजन फैमिली में अगर आप देखें तो टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बट उसके पहले अगर आप देखें तो 4s के सबके
दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। अब ये दो दो इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड हैं इन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ना स्टार्ट होता है। चलिए एक डायग्राम से मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल और ये चौथा शेल, और ये बाहर के इलेक्ट्रॉन हैं और ये अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं। मान लीजिए ये थर्ड शेल है। कौन सी शेल है? थर्ड शेल। और थर्ड शेल के अंदर ही आता है 3D ऑर्बिटल, 3D ऑर्बिटल। तो अगर इसमें 3D के इलेक्ट्रॉन है तो हम सब जानते हैं अगर ये बाहर के इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस इसे बहुत ही स्ट्रांगली खींचना पसंद करता है। क्यों खींचता है वो? क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो वो खींचेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जी हाँ, ये इलेक्ट्रॉन इसे रिपेल करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसे रिपेल करते हैं, बाकायदा ये आपस में भी रिपेल करते हैं, ऐसा है। और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? जी हाँ प्यारे बच्चों, इसी इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। मतलब हम ऐसा मानते हैं कि अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इस पुल से बचा रहे हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होता है। जी क्या होता है? जी हाँ, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाता है। और न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होने से क्या होता है? जी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन अगर कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन के नंबर को आप देख के मत सोचिएगा कि सर यहाँ पे तो आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन हैं, चार इलेक्ट्रॉन हैं, और हमारे नाइट्रोजन में तो पाँच है और बोरॉन में तीन है। मैं इन जनरल लेके चल रहा हूँ बच्चों, मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारे थोड़े से डी सब ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए अगर ये इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के, सर बट ये ऑर्बिटल कहाँ, ये शेल है, तो बच्चों थर्ड शेल के अंदर ही 3D सब ऑर्बिट होती है, और 3D सब ऑर्बिट के अंदर 3D ऑर्बिटल होते हैं, दैट इज 3D XY, YZ ZX, x²-y²z², ये सारी होती हैं। तो इनकी शील्डिंग क्या होती है? ख़राब। इनकी शील्डिंग क्या होती है? ख़राब। और ख़राब होने की वजह से ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पुल नहीं कर पाते। चलिए एक बार फिर आ जाते हैं अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे। तो यहाँ देखिए, ये तो फोर्थ पीरियड का था। अब वैसे ही देखिए, जैसे आप फिफ्थ पीरियड में आए, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 4D10। यहाँ पे भी देखिए 4D10, और यहाँ पे भी देखिए 4D10। मतलब अंदर 3D ऑलरेडी है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 3D ऑलरेडी, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। और जैसे ही आप थैलियम पे आते हैं, लेड पे आते हैं और बिस्मत पे आते हैं, अब देखिए क्या क्या आ गया है। जी हाँ, 4F भी आ गया है और 5D भी आ गया है। ये देखिए 4F और 5D, और हम जानते हैं कि F और D दोनों की शील्डिंग काफ़ी ख़राब होती है। तो जैसे ही आप नीचे वाले एलिमेंट्स में जाएंगे, नीचे वाले एलिमेंट्स में जाएंगे तो उसमें शील्डिंग ख़राब होते जाती है, और शील्डिंग ख़राब होने की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस 6s के इलेक्ट्रॉन पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इस 6s के इलेक्ट्रॉन पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये जो 6s के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो पेयर्ड फॉर्म में हैं, इस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। वो क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि 4F और 5D के इलेक्ट्रॉन, 4F और 5D के इलेक्ट्रॉन अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते किसके इलेक्ट्रॉन को, 6s को, और न्यूक्लियस बहुत ही स्ट्रांगली खींचता है। हालांकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचना तो गैलियम से ही स्टार्ट कर देता है, या फिर कह सकते हैं जर्मेनियम से भी करता है, या फिर आर्सेनिक से ही शुरू कर देता है, या फिर और एक ब्रॉड टर्म में मैं बोलूँ तो ये जो इलेक्ट्रॉन पे NS इलेक्ट्रॉन जो है, NS मतलब आउटर मोस्ट शेल के जो NS2 इलेक्ट्रॉन है, उस पे अट्रैक्शन तो फोर्थ पीरियड से ही स्टार्ट हो जाता है, बट वो सबसे जाके मैक्सिमम अट्रैक्शन कौन से में हो जाता है? सिक्स्थ पीरियड में। मतलब सिक्स पीरियड में 6s के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा। और अगर बच्चों ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी अनपेयर नहीं कर पाएंगे। अनपेयर का मतलब है 6s से ये 6p में जंप नहीं कर पाएंगे, और 6p में जंप नहीं कर पाएंगे तो वो अनपेयर नहीं हो पाएंगे, वो अनपेयर नहीं हो पाएंगे। और जैसे कि आपने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग में, कि जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं वही बॉन्ड बनाते हैं,
वही बॉन्ड बनाते हैं, तो इसे काफ़ी डिफिकल्टी होगी या फिर इसे जो एनर्जी लगेगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। अब भले उसे आप थैलियम के केस में मानिए, लेड के केस में मानिए या फिर बिस्मत के केस में मानिए, मैं तो पूरे सिक्स पीरियड की बात कर रहा हूँ कि पूरे सिक्स पीरियड में सिक्स एस के इलेक्ट्रॉन को सिक्स पी में जम कराने के लिए एनर्जी बहुत हाई लगती है, और जनरली ये हो नहीं पाता क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4F एंड 5D, और इसलिए सिक्स एस की ये जो पेयर है ये रिएक्शन में पार्ट नहीं ले पाती, और इसीलिए ये रिएक्शन में पार्ट नहीं ले पाती इसीलिए हम इसे कहते हैं इनर्ट पेयर, इनर्ट पेयर। और ये जो इफ़ेक्ट है प्यारे बच्चों, इसे हम कहेंगे इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। क्या कहेंगे? जी हाँ, इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। अब मैं जो लाइन बोलूँगा वो एकदम ध्यान से सुनिएगा बेटा, कि जो इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट है ये फोर्थ पीरियड से ही दिखना स्टार्ट हो जाता है। मैं वापस कहूँगा, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है ये फोर्थ पीरियड से ही दिखना स्टार्ट हो जाता है, बट ये डोमिनेट हो जाता है सिक्स्थ पीरियड में। मतलब NS के इलेक्ट्रॉन, N मैं बोल रहा हूँ, N N मतलब आउटर मोस्ट शेल के S इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्थ पीरियड से ही दिखता है, बट वो अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है सिक्स्थ पीरियड में, क्योंकि सिक्स्थ पीरियड में शील्डिंग बहुत ख़राब हो जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसीलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट का मैक्सिमम इफेक्ट सिक्स पीरियड में दिखता है। ठीक है, तो अगर किसी ने ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से इनर्ट पेयर ऑब्जर्व होता है, तो आप याद रखना फोर्थ पीरियड से ही ऑब्जर्व होने लगता है, और मैक्सिमम इफेक्ट किस पे दिखता है? जी हाँ, सिक्स पीरियड और उसके बाद। या फिर इसके लिए मैं आपको एक एनालॉगी दूंगा, सपोज एक चोर है जिसका नाम रामू है, वो जब छोटा था तभी से वो चोरी करता था, लेकिन अब वो डकैत बन गया है। सर ऐसा क्यों? डकैत मतलब बड़े लेवल पे चोरी करना। अब क्यों ऐसा वो कर पा रहा है? क्योंकि पहले उसको ताकत भी कम थी और एक्सपीरियंस भी कम था, लेकिन अब उसकी ताकत भी ज़्यादा है और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। ठीक उसी तरह से इनर्ट पेयर इफेक्ट वो फोर्थ पीरियड से ही दिखता था, लेकिन वो डोमिनेट कब हुआ? वो डोमिनेट कब हुआ? जी हाँ, सिक्स पीरियड में। क्यों? क्योंकि फोर्थ पीरियड में शील्डिंग जो थी वो ख़राब थी, लेकिन इतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन अब जो सिक्स्थ पीरियड में शील्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसीलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेट हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने वापस थियोरेटिकल कंसेप्ट पे। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, क्या है ये लाइन? रिमेंबर, याद रखिए, द इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर्ड बाय 2 यूनिट्स देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इन हेवियर पी ब्लॉक एलिमेंट इज़ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो मैंने अभी बताया। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है? जी हाँ, जो लोअर मेंबर हैं उसमें NS के इलेक्ट्रॉन जो NH2 होते हैं, और NP की तो खैर 1, NP2 और NP3 होता है। जी ये बोरॉन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली है, और ये नाइट्रोजन, सब में NH2 होता है, तो NS के इलेक्ट्रॉन जल्दी अनपेयर नहीं हो पाते, इसीलिए वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो ये ग्रुप क्या दिखाएगा? +1, और ये क्या दिखाएगा? +2, और ये कौन दिखाएगा? +3, लेकिन कौन से मेंबर? जी हाँ, लोअर मेंबर, क्योंकि लोअर मेंबर में इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, क्योंकि उसमें 4F भी होता है और 5D भी होता है, वही इन्होंने बताया है। इन दीज एलिमेंट्स द 2s इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व लेस रेडियली, लेस रेडियली का मतलब है यहाँ पे इजीली, इजीली, क्योंकि क्योंकि s के इलेक्ट्रॉन जल्दी अनपेयर नहीं होते, और VBT की थियरी के हिसाब से अगर वो अनपेयर नहीं होंगे तो वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज द s इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल इन p ब्लॉक एलिमेंट एक्सपीरियंस पुअर शील्डिंग दैन वैलेंस पी इलेक्ट्रॉन ड्यू टू 10d इलेक्ट्रॉन, और मैं यहाँ पे ऐड करूँगा 14f इलेक्ट्रॉन्स। कितने? जी 4f लिख दिया मैंने यहाँ पे, 14 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ f। ठीक है, f ऑर्बिटल का। आई होप आपको ये मैं सही से समझा पाया हूँ, ऑलरेडी मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब आप एक चीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसमें जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे बोरॉन का +3,
कार्बन का +4 और नाइट्रोजन का +3। ये आयनिक नहीं होते, ये आयनिक नहीं होते, ये होते हैं कोवेलेंट स्टेट में, क्योंकि इनके लिए 3 इलेक्ट्रॉन देना या फिर 4 इलेक्ट्रॉन देना या फिर 5 इलेक्ट्रॉन देना, नाइट्रोजन +5, नाइट्रोजन +5, ये आसान नहीं होता। और अगर आप ऐसा सोचें कि मान लीजिए इनके ऊपर +4 +5 चार्ज आ गया, तो सोचिए इनकी चार्ज डेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी और सामने वाले अनायन का साइज़ कितना बड़ा होगा। चलिए मैं बोरॉन का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो बोरॉन क्या करेगा? जी हाँ, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा। सपोज़ ये सामने अनायन है, इसके इलेक्ट्रॉन को बोरॉन स्ट्रांगली खींचेगा, और स्ट्रांगली खींचेगा मतलब ये जो अनायन है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्ट। और इसका इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा? बी थ्री प्लस की तरफ। और ये कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा फिर? जी हाँ, शेयरिंग कैरेक्टर, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आप ऐसा मान के चलिएगा B3+C4+N5+ आयनिक स्टेट में नहीं होते, ये उनके कोवेलेंट स्टेट में होते हैं। कार्बन से पूरी तरह से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। वो तो हम ऐसा दिखाते हैं कि अगर कार्बन ने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर 4 बॉन्ड बनाए हैं तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन उससे थोड़े दूर होंगे, ऐसा नहीं कि पूरी तरह ट्रांसफर हो गए और कार्बन 4+ में कन्वर्ट हो गया। आगे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 13, मतलब ये सिंपल बोरॉन फैमिली, तो NH2NP1, ये है कार्बन फैमिली, NH2NP2। आपको सिर्फ पी का एक नंबर बढ़ाना है, मतलब पी सब ऑर्बिट के एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना है। देखिए 3 हो गया, यहाँ पे ये क्या है? जी प्यारे बच्चों, ये नाइट्रोजन है। ठीक है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वो ये तीनों को अगर लूज़ कर देगा, तीनों को अगर लूज़ कर देगा, तीनों को, तो ये क्या दिखा सकता है? जी हाँ, +3 और +1। हालांकि बोरॉन फैमिली में -3 और -1 बहुत ना के बराबर दिखते हैं, इसीलिए अगर आपके दिमाग में एक ख्याल आता होगा कि सर -3 -1 क्यों नहीं लिखा, तो उसका यही कारण है। तो ये +3 जो है इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, कार्बन फैमिली की +4 और नाइट्रोजन की +5। अब देखिए इसके अलावा कौन सी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं? जी हाँ, +1। क्यों? क्यों? क्योंकि NS के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो रादर देन लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन ही लूज करेगा, 3 नहीं लूज करेगा। और कार्बन कितना लूज कर सकता है? 2, और वो 4 कार्बन फैमिली वाले गेन कर सकते हैं, जिसमें जिसमें डाउन द ग्रुप ये -4 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट कम दिखता है, ये कार्बन का ही दिखता है जनरली, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। उसका एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूँ आपको, CH4। एंड देन कम्स ग्रुप 15, उसमें दिखता है +3 और -3, और ये -3 जनरली नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये सब में ही दिखता है, लोअर मेंबर तो +3 ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हायर मेंबर का ऑक्सीडेशन स्टेट +5, लोअर का +3, +4 +2 +3 +1, सब में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो जैसे जैसे आप नीचे वाले मेंबर में जाएंगे, ये जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अब भी मैंने बताई ये ज़्यादा स्टेबल होगी, जैसे जैसे कि बोरॉन फैमिली में डाउन द ग्रुप +1 दिखाना पसंद करते हैं, मतलब वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, क्योंकि एस के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, वो बाहर नहीं आ सकते। तो आप कह सकते हैं सिंपली जो लोअर मेंबर का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यही है जो मैंने इस ब्रैकेट में इनक्लोज किया है। और ऐसा क्यों दिखता है? जी हाँ, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल ऑफ स्टेबल कंपाउंड्स BF3, AlCl3, GaCl3, ये सब क्या हैं? जी हाँ, +3 वाले InCl3, ये भी +3, और TL देखिए +1। क्यों TL ने +1 दिखाया? क्योंकि हाँ, TL6 पीरियड का एलिमेंट है और उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। आप वीडियो में पीछे जाके वापस थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। अब आगे देखिए कार्बन का CH4, CO2, CCl4, SiCl4, GeCl4, SnCl2, PbCl2। आप देखिए Sn में +2 दिखा और Pb में भी +2 दिखा, बाकी सारे क्या थे? जी हाँ, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। ठीक है, ये पहले वाले में तो कार्बन ने -4 भी दिखाया है। ठीक है, आगे देखिए N2O5, NH3, NF3, PH3, PCl5।
अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि सर ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्यारे बच्चों हम रेडॉक्स रिएक्शन पे जल्द ही वीडियो बनाएंगे और फिर आपके ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे N2O5 में नाइट्रोजन कितना होगा, जी हाँ +5। अब ये NH3 में -3, NF3 में +3, PH3 में फॉस्फोरस -3, और यहाँ पे PCl5 में फॉस्फोरस +5, आर्सेनिक AsH3, यहाँ पे SbH3, SbCl3 और BiCl3, BiCl3 में बिस्मत दिखाता है +3, और Sb का भी यहाँ पे +3 है। ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। अब आगे का क्वेश्चन देख लीजिए आप, वाई थैलियम आयन इज़ मोर स्टेबल दैन थैलियम 3+। थैलियम 1+ क्यों ज़्यादा स्टेबल है थैलियम 3+ से? तो ये तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, इट्स मेनली बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्यों? क्योंकि थैलियम के केस में 4F और 5D इलेक्ट्रॉन है अंदर, जिनकी शील्डिंग ख़राब है, तो वो 6s के इलेक्ट्रॉन को 2 को बाहर आने नहीं देंगे, तो सिर्फ p का एक निकलेगा 6p का, और उसकी वजह से चार्ज आ जाएगा +1, और इसीलिए थैलियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। तो सिंपल सा रीज़न है प्यारे बच्चों, इट्स मेनली बिकॉज ऑफ दी इनर्ट पेयर इफेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सर ये नहीं समझ में आ रहा है सर, 6s के इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकलते सर? अरे बेटा, अगर अगर आपको कोई पीछे से खींच के रखे तो क्या आप आगे जा सकते हैं आसानी से? जी नहीं ना। ठीक उसी तरह से 6s के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच के रखता है, इसीलिए उसके इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर नहीं निकलते। थैलियम इज़ अ हेवी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ग्रुप 13 ऑफ द पी ब्लॉक। जी हाँ, हम ये पढ़ चुके हैं, बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो ये देखिए, ये थैलियम हो गया। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर दिस ग्रुप इज़ 3। इन पी ब्लॉक द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोर स्टेबल फॉर दी हेवियर एलिमेंट। हेवियर एलिमेंट के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, और ये किस कारण की वजह से? जी हाँ, इनर्ट पेयर के इफेक्ट की वजह से। इसीलिए थैलियम प्लस आयन इज़ मोर स्टेबल दैन थैलियम 3+ आयन। चलिए यहीं पे लगे हाथ में आपको एक एंट्रेंस का क्वेश्चन बता देता हूँ। TlI3 में आपको थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना है। तो बहुत सारे बच्चे +3 लिखते हैं, बट इसका एक्चुअल आंसर जो है वो +1 है, क्योंकि थैलियम जनरली +3 नहीं दिखाएगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बट अगर यही TlF3 होता, TlF3 या फिर TlCl3, तो आप इसमें थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़रूर +3 लिखते प्यारे बच्चों। सर लेकिन TlI3 में क्यों नहीं, TlF3 और TlCl3 में क्यों? तो बेटा TlF3 और TlCl3 में फ्लोरीन और क्लोरीन है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये इनर्ट पेयर के अगेंस्ट अगेंस्ट 6s के इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच सकते हैं। लेकिन आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो थैलियम के 3 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाए। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। अब जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं, बॉन्डिंग इन कंपाउंड ऑफ ग्रुप 13, देन कम्स 14 एंड 15 एलिमेंट्स। अब इनमें कैसी बॉन्डिंग होती है ये हम देखने वाले हैं। द लाइटर एलिमेंट इन ग्रुप 13, 14 एंड 15 हैव स्मॉल एटॉमिक रेडियस। हम सब जानते हैं उनकी एटॉमिक साइज काफ़ी छोटी है, एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। उनके इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलते नहीं है, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा है। क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली ताकत। दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड विथ अदर एटम्स बाय ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स। जी हाँ, उनकी साइज़ छोटी है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं लूज़ करेंगे तो एक ही बॉन्ड बनने वाला है वो शेयरिंग वाले से। अगर सामने भी कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई ही है, तो वो भी कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कोवेलेंट। हालांकि अगर मेटल आ जाए, अल्कली मेटल और ये सारे, तब तो वो सिंपल सी बात है आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ जो उनके कंपाउंड होते हैं वो कौन से होते हैं? कोवेलेंट। और वो भी कैसे बनाते हैं? जी हाँ, ऑर्बिटल के ओवरलैप से। अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैं बता दूँ, ऐसे ऑर्बिटल ओवरलैप करती है, हेड ऑन एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल का ओवरलैप, एंड साइडवेज ओवरलैप ये किसका? पी ऑर्बिटल का। आई होप ये सब आपको पता होगा। चलिए आगे देखते हैं, एज वी
मूव डाउन द ग्रुप द आयनाइजेशन एंथैल्पी आर लोअर्ड, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होते जाती है। क्यों ऐसा? क्योंकि साइज बढ़ते जाती है। हालांकि हमने कुछ एनामलस बिहेवियर भी देखे हुए हैं ऊपर, कि नीचे वाले मेंबर का ऊपर वाले मेंबर से आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, बट हम इन जनरल बोल रहे हैं, इन जनरल तीनों ग्रुप में जनरली नीचे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, और कम होने के पीछे रीज़न यही है कि एटम का साइज़ क्या हो जाता है, जी बड़ा। आगे देखिए, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज सिंस द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल आर मोर डिफ्यूज। अब यहाँ पे डिफ्यूज़ का मतलब क्या है? जी हाँ, मतलब उनकी जो ऑर्बिटल है, किसके, वैलेंस शेल की, वो ज़्यादा ज़्यादा श्रिंक टाइप की नहीं होती, बहुत ज़्यादा फैली हुई रहती है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है, और स्प्रेड होने की वजह से साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। द हेवियर एलिमेंट इन दिस ग्रुप लीड टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, जो कि लोअर मेंबर है इस ग्रुप में, जो भी लोअर मेंबर हैं वो जनरली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्यों आयनिक बॉन्ड बनाते हैं? क्योंकि साइज बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप बिलोंग टू सेकेंड पीरियड एंड डू नॉट हैव डी ऑर्बिटल। मतलब ये सारे ग्रुप के जो फर्स्ट मेंबर है, जैसे बोरॉन हुए, कार्बन हुए, नाइट्रोजन हुए, ये सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, और हम सब जानते हैं कि सेकेंड पीरियड के किसी भी एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, डी ऑर्बिटल नहीं होता। सर वो क्यों नहीं होता, ज़रा हमें बताइए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको याद होगा, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। क्या लिखा था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको अगर याद है, आप ऐसे लिखते थे 1s 2s 3s, फिर 4s, फिर 5s, फिर 6s, फिर 7s, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखते थे 2p 3p 4p 5p 6p 7p, और यहाँ पे फिर 3d, यहाँ पे 4d, यहाँ पे 5d, यहाँ पे 6d, यहाँ पे 4f, यहाँ पे 5f, और यहाँ पे 6f। फिर आप इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्डर में भरते थे। आप, आई होप आपको ये याद हो, आप ऐसे इलेक्ट्रॉन को भरा करते थे। आपको याद होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पी के नीचे 2d नहीं है। सर उसमें क्या है, लिख देते हैं 2d, बट प्यारे बच्चों 2d नहीं पॉसिबल होता। 2d पॉसिबल क्यों नहीं होता? क्योंकि d के लिए, d सब ऑर्बिट के लिए l की वैल्यू 2 होनी चाहिए, एल की वैल्यू 2 होनी चाहिए, और एल की वैल्यू 2 होने के लिए एन की वैल्यू 3 होनी चाहिए। एन की वैल्यू 3 मतलब शेल नंबर 3 होना चाहिए। शेल नंबर क्या होना चाहिए? जी हाँ, थर्ड होना चाहिए। और सेकेंड पीरियड में जो एन का वैल्यू होता है वो 2 होता है, इसीलिए सेकेंड शेल में डी सब ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। बट प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में ये भी डाउट आ सकता है कि सर सर ये सब आया कहाँ से, इसमें एल क्या है? एल जो है प्यारे बच्चों, ये है एजीमिथल क्वांटम नंबर, ये हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की भी वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें इन बातों का ख्याल रखेंगे और काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने थियरी वाले पार्ट पे। द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप बिलोंग टू सेकेंड पीरियड एंड डू नॉट हैव डी ऑर्बिटल। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन के नॉट एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। के नॉट एक्सपैंड देयर ऑक्टेट मतलब वो अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रख सकते। अब क्यों नहीं रख सकते, वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सिर्फ 2s और 2p है। मान लीजिए कि उनके पास 2s में इलेक्ट्रॉन है और मान लीजिए 2p खाली है, जबकि हम जानते हैं कि 2p में बोरॉन में 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 2 है और नाइट्रोजन में 3 है। तो चलिए मैं अगर बोरॉन का लिखूँ तो वो कुछ ऐसे है। अब मान लीजिए बोरॉन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जम कर गया, या फिर नहीं भी जम करता है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन अगर सब भर दिए जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? जी हाँ, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सर ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बोरॉन का जो 1 इलेक्ट्रॉन था उसने जंप कर लिया सपोज़ इसमें, तो टोटल बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3। अब ये ऑर्बिटल खाली है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई कोई अनायन अपने इलेक्ट्रॉन को इस डी ऑर्बिटल में भर दे, इस डी ऑर्बिटल में भर दे, जिसमें अनायन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, या फिर कोई ऐसा लुईस बेस जैसा सब्सटेंस। सर लुईस बेस क्या होता है? जी हाँ, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, तो उसके वजह से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आए।
ये एक बोरॉन का था ही, सपोज एक कोई सामने वाले एलिमेंट ने इसे पेयर कर दिया, इसे पेयर कर दिया और इसे पेयर कर दिया, तो टोटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8। तो याद रखिएगा कि जो भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं पी ब्लॉक के, वो मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। बट जो थर्ड पीरियड है उनके पास आफ्टर 2p, मतलब जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, सिंपल सी बात है, उनके पास तीन शेल होंगी। तीन शेल होंगी मतलब अब उनके पास 3d भी होगा जी। क्या होगा? 3d। और 3d होगा तो अपने ऑक्टेट को क्या कर सकते हैं जी? हाँ, एक्सपैंड, मतलब वो अपने इसमें भी इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन किसी एनायन या फिर लुईस बेस ने डोनेट कर दिया या फिर इसमें कर दिए, तो उनके कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए? जी हाँ, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो याद रखिएगा अगर कोई एलिमेंट सेकेंड पीरियड का है तो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, बट अगर वो थर्ड पीरियड का है तो वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने थियोरेटिकल पार्ट पे। द सबसीक्वेंट एलिमेंट इन द ग्रुप पजेस वेकेंट डी ऑर्बिटल। सबसीक्वेंट एलिमेंट मतलब जो आगे आने वाले एलिमेंट हैं बाद में, वेकेंट डी ऑर्बिटल इन देयर वैलेंस शेल विच कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट, जो कि अपने ऑक्टेट को क्या कर सकते हैं? एक्सपैंड कर सकते हैं, फॉर्मिंग अ वेराइटी ऑफ कंपाउंड। तो ये तो मैं ऑलरेडी बच्चों काफ़ी अच्छे से आपको बता चुका हूँ, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर, और एयर में कौन से पार्ट होते हैं जी? एयर में तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑक्सीजन और दूसरा होता है नाइट्रोजन। तो हम सब जानते हैं कि एयर में दो पार्ट है, नाइट्रोजन और दूसरा पार्ट है ऑक्सीजन। और जहाँ तक ये स्टेट बोर्ड का सिलेबस है, यहाँ पे जनरली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम किसी भी ग्रुप के स्टार्टिंग के दो एलिमेंट की डिटेलिंग की जाती है। बट जेई और नीट लेवल पे तो हम पूरा लास्ट एलिमेंट तक की भी पढ़ाई करते हैं। तो आप जहाँ पे जो कुछ भी रिएक्टिविटी दिया होगा, इन जनरल आप फर्स्ट टू एलिमेंट के लिए मान के चलिएगा, बट यहाँ पे तो लिखा है कि वो सारे के लिए। तो यहाँ पे देखिए, एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन ऑन हीटिंग विथ एयर, यहाँ पे देखिए हीटिंग लिखा, हीटिंग हीटिंग मतलब यहाँ पे ट्रायंगल, मतलब जब टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू बी अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 80 to 100 degrees Celsius, इसीलिए हम ट्रायंगल बनाते हैं। विथ एयर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस ऑक्साइड ऑफ टाइप E2O3। अब ये E2O3 कैसे बना? ई मतलब एलिमेंट ऑफ ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप 13 एलिमेंट, तो उनका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट E3+ होता है, और ऑक्सीजन कितना होगा? E2-, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो क्रॉस आ गया, ये हो गया E2O3। कितना सिंपल सा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये तो आयनिक हो गया। नहीं बच्चों, अभी भी ये कोवेलेंट है, बॉन्ड इनका शेयर्ड ही है। अब देखिए नाइट्रोजन के साथ, तो यहाँ पे बन गया EN। यहाँ पे EN कैसे बना जी? वही घिसी पिटी सी चीज़, E3+ और N होता है 3-। इस N3- को हम बोलते हैं नाइट्राइड। क्या बोलते हैं? नाइट्राइड। और फिर तीन तीन कर दीजिए, मतलब तीन इसके चार्ज और तीन इसके, जो कि सेम हो गए, तो ये 1-1 हो जाएगा, तो ये E और ये N, ठीक है। तो आप होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये दोनों ही क्या होते हैं जी? हाँ, ये दोनों ही कोवेलेंट होते हैं, दैट इज़ ऑक्साइड एज वेल एज नाइट्राइड। मैं अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बोरॉन फैमिली का नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड होता है बोरॉन नाइट्राइड, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्राफाइट जैसा होता है, और इसका यूज़ होता है प्यारे बच्चों बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। क्या बनाने में? जी हाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो विलन है वो बंदूक से गोली मारता है, लेकिन हीरो को लगने के बाद भी उसे कुछ होता नहीं है, क्योंकि उसने पहने होते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट। राइट, आपको समझ में आ गया जी? हाँ, ये है बोरॉन नाइट्राइड। अब ठीक उसी तरह से हम ग्रुप 14 का भी देख लेते हैं। ऑन हीटिंग इन एयर और ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्साइड ऑफ टाइप EO and EO2 इन अकॉर्डेंस विद दी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं तो सिंपल सी बात है वो EO2 बनाएगा, और लिमिटेड सप्लाई में EO, ये एक पहले कारण हो गया। और दूसरा, अगर वो लोअर मेंबर हैं, तो वो EO बनाना पसंद करेंगे, रादर देन EO2, क्योंकि लोअर मेंबर मतलब जो बड़े एलिमेंट हैं पर्टिकुलर ग्रुप के, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। चलिए ये कैसे हुआ वो भी दिखा देता हूँ। तो ये हो गया E2+ और ये O2-, तो ये दो एक एक, तो ये क्या हो गया जी? हाँ, ये हो गया EO।
अब लगे हाथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि ई ओ टू कैसे बन गया। ठीक है, तो ये हो गया ई टू प्लस, और यहाँ पे ये हो गया ई फोर प्लस, और ये ओ टू माइनस। हाँ, ये जो फोर प्लस वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो उनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो मैंने ले लिया। तो ये हो गया फोर, ये हो गया टू, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं, तो इधर हो जाएगा वन और इधर हो जाएगा टू, तो ये आ गया वन एंड टू। तो ऑक्सीजन हो गया टू और ई हो गया वन। कैसे किया मैंने, दोनों साइड दो से डिवाइड किया, तो टू टू जा टू को टू से डिवाइड किया तो वन आया, और फोर को डिवाइड किया टू से तो टू आया। तो ये हो गया जनरली। और आप याद रखिए, ये जितने भी ऑक्साइड आप बना रहे हैं प्यारे बच्चों, ये सारी नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। तो जो स्टार्टिंग के मेंबर हैं वो उनकी ऑक्साइड्स तो एसिडिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 ऑन हीटिंग इन एयर और ऑक्सीजन फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड। जो 15 मेंबर हैं वो दो तरह की ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस सर आपने यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं बनाया। जी हाँ, नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड बनता है, बट जनरली वो नॉर्मल हीटिंग से नहीं बन पाता, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर होता है ट्रिपल बॉन्ड, और इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगती है। इट रिक्वायर्स वेरी वेरी हाई एनर्जी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसीलिए हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड को बनाते तो हैं, लेकिन उनको बनाने का तरीका अलग है। तो आई होप आप समझ सकते हैं हमने नाइट्रोजन को क्यों नहीं ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया। अब यहाँ पे देखिए, फॉस्फोरस ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बना दिया, जी हाँ यहाँ पे बना दिया P4O6। अब ये कैसे आया, जी हाँ फॉस्फोरस P3+ आ गया, जो कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ऑक्सीजन है 2-। तो ये क्या हो जाएगा, जी हाँ ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया P2O3। P2O3 सर, ये P2O3 हो गया, यहाँ पे तो P4O6 है, मान लीजिए इसी का डाइमर बन गया ये P4O6। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे हम देखते हैं सेम उसी तरह से P4O10 भी ऐसे ही आएगा। P4O10, ये पी यहाँ पे जो है वो P+5 है, और ऑक्सीजन का O2- है, तो यहाँ पे 5 और ये 2, तो ऐसे हो गया, ये हो गया P2O5, जिसका डाइमर हो जाएगा P4O10। सर आप क्या ये डाइमर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जी प्यारे बच्चों, ये दो मॉलिक्यूल को मिलके ये बना देंगे, मतलब ऐसा मान लीजिए 2P2O5 मिलके क्या बना देंगे, जी हाँ P4O10। इसे कहते हैं हमने फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड डाइमर, और जो स्टार्टिंग का था फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड का डाइमर। अब यहाँ पे देखिए सेम चीज़ किसके साथ हो रही है, जी हाँ आर्सेनिक के साथ। तो जैसा मैंने फॉस्फोरस के साथ किया, आप सेम आर्सेनिक को लेके भी वैसे ही कर सकते हैं। और मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, ये सारे ऑक्साइड्स भी कोवेलेंट ही हैं प्यारे बच्चों। अब आगे देखिए बिस्मथ ऑक्साइड, जी हाँ प्यारे बच्चों, ये ऑक्साइड जो है ये आयनिक है, क्योंकि बिस्मथ जो है वो मेटल है, बिस्मथ जो है वो मेटल है। तो ये आ गया Bi3+, और यहाँ पे आ गया O2-, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो Bi2O3, तो इसे बोलते हैं बिस्मथ ऑक्साइड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, जी हाँ बिस्मथ ऑक्साइड, या फिर डाई बिस्मथ ट्राई ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्रीज इन मेटालिक करेक्टर डाउन ऑल दीज ग्रुप 13, 14 एंड 15 रिफ्लेक्ट्स देयर ऑक्साइड्स विच ग्रेजुअली वेरी फ्रॉम एसिडिक थ्रू एम्फोटेरिक टू बेसिक। मतलब इनका नेचर एसिडिक से एम्फोटेरिक से होकर बेसिक की तरफ चले जाता है। इसका मतलब क्या, जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं वो नॉन मेटल है, और जो मतलब जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं उनके जो ऑक्साइड हैं वो एसिडिक है, जो इंटरमीडिएट है उनके एम्फोटेरिक है, मतलब जो बीच वाले हैं, और जो लास्ट में है जो मेटालिक जैसे कि बिस्मथ ऑक्साइड, वो सारे बेसिक हैं। अब इसे हमें टेबल 9.6 में दिया हुआ है ऑलरेडी। अब टेबल 9.6 का है, जी हाँ ऊपर दिया हुआ है। अब देखिए आगे क्या है, द नेचर ऑफ स्टेबल ऑक्साइड फ्रॉम ग्रुप 13, 14, 15 आर गिवन इन टेबल 9.6। तो चलिए टेबल 9.6 देख लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पे टेबल दे दिया है, आप देख रहे हैं बोरॉन B2O3, जी हाँ इस ऑक्साइड को बोरॉन सिस्की ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोरॉन
सेस्क्यू ऑक्साइड। अब ये सेस्क्यू ऑक्साइड मतलब क्या है, चलिए मैं इसे एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज कोई एक एलिमेंट है और उसे एक ऑक्सीजन मिला, तो उसे कहते हैं मोनोऑक्साइड। तो ये एग्जाम्पल देखिए हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ। सपोज किसी एटम को दो ऑक्सीजन मिला तो उसे हम कहते हैं डाईऑक्साइड, और अगर किसी को 1.5 मिले तो, जैसे दो बोरॉन है और तीन ऑक्सीजन है, दो बोरॉन है तीन ऑक्सीजन है, तो एक बोरॉन के हिस्से में कितना ऑक्सीजन आया, जी हाँ 1.5, इसीलिए हम इसे कहते हैं बोरॉन सेस्क्यू ऑक्साइड। सेस्क्यू मतलब 1.5 या फिर डेढ़। अब यहाँ पे ऐसे ही एल्यूमिनियम का भी बना है। अब एल्यूमिनियम का यहाँ पे ऑक्साइड देख सकते हैं आप, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। सर ऐसा क्यों हो गया, सर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक क्यों हो गया, ये रिएक्शन से हमें पता चलता है। ठीक है, कुछ ऐसे मेटल हैं जैसे एल्यूमिनियम हुआ, जिंक हुआ, ठीक है, टिन हुआ, लेड हुआ, इनके कुछ ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक भी होते हैं। ठीक है, आगे देखिए गैलियम, और ये एम्फोटेरिक मेटल भी कहलाते हैं। गैलियम देखिए Ga2O3, गैलियम सिस्क्यू ऑक्साइड इज़ ऑल्सो एम्फोटेरिक। उसके बाद देखिए इंडियम ऑक्साइड इज़ बेसिक एंड थैलियम सिस्क्यू ऑक्साइड इज़ इवन बेसिक। ठीक है, ये आयनिक होंगे इनके जनरली, इंडियम और थैलियम के। ठीक है सर, ये कैसे पता चलता है कि कोई भी जो ऑक्साइड है वो एसिडिक है या बेसिक, सिंपल आप इसे पानी में डालिए, एक न्यूट्रल वाटर में डालिए जिसका pH 7 है, उनके नेचर के हिसाब से pH चेंज हो जाएगा। अगर pH 7 से ज़्यादा हो गया इसका मतलब जो सब्सटेंस आपने डाला है वो बेसिक है, और अगर pH 7 से कम हो जाता है मतलब आपने जो सब्सटेंस डाला है वो एसिडिक है प्यारे बच्चों। तो इनके नेचर हम वाटर में इन्हें डिजॉल्व करके पता करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कार्बिन इट इज़ एसिडिक। आप इन जनरल ऐसा मान के चलिए कि जो मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, और कुछ मेटल और कुछ एम्फोटेरिक टाइप मेटल भी होते हैं, जैसे हो गया जिंक हो गया, फिर एल्यूमिनियम हुआ, गैलियम हुआ, लेड हो गया, फिर SN के भी कुछ एम्फोटेरिक होते हैं। अब यहाँ पे देखिए SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसे हम सिलिका के नाम से भी जानते हैं, वो भी क्या है एसिडिक। और नीचे देखिए जर्मेनियम, जर्मेनियम ऑक्साइड इज़ ऑल्सो एसिडिक, और ये SiNO2 क्या है जी एम्फोटेरिक, और लेड ऑक्साइड भी क्या है एम्फोटेरिक। आप देख रहे हैं ये एम्फोटेरिक, इनमें सब में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 है। अब नाइट्रोजन बोरॉन, ये जो नाइट्रोजन द ग्रुप 15 है उसके ऑक्साइड्स को देखिए, ये भी एसिडिक है। इसका नाम है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसका नाम है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये भी है एसिडिक। एंड देन कम्स आर्सेनिक ऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो एम्फोटेरिक, और दिस इज़ एंटीमनी ऑक्साइड, एंटीमनी ऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो एम्फोटेरिक, एंड दिस इज़ बिस्मथ ऑक्साइड जो कि है बेसिक। वो इसलिए क्योंकि बिस्मथ जो है वो मेटल है, और यहाँ पे आर्सेनिक और एंटीमनी जो है ये मेटलॉइड है। ठीक इसी तरह सिलिकॉन एंड जर्मेनियम भी क्या है जी, वो भी मेटलॉइड है। अब ऐसा मत कहिएगा कि एल्यूमिनियम भी सर मेटलॉइड है क्या, नहीं प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम एक मेटल है लेकिन वो एम्फोटेरिक मेटल है। सर एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक मतलब डबल ढोलकी, डबल ढोलकी, डबल ढोलकी मतलब द सब्सटेंस विच कैन बिहेव एज बोथ बेस एज वेल एज एसिड, जो कि एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि उनके सामने कौन सी स्पीशीज है, मतलब उनके सामने कौन सा सब्सटेंस है। अगर उनके सामने आप एसिड को रख दो तो वो बेस की तरह बिहेव करेंगे, और अगर बेस की तरह रख दिया तो एसिड की तरह बिहेव करेंगे, तो ये उनका नेचर है। तो मैंने डबल ढोलकी क्यों बोला, जी हाँ जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो हमारे सामने हमारे दोस्त बन के रहते हैं, हमारे प्रिय बन के रहते हैं, हमारी तारीफ करते हैं, बट जैसे ही हम चले जाते हैं हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। तो सामने फ्रेंड और पीछे आप समझ ही रहे हो एनमी। ठीक उसी तरह ये एलिमेंट भी एसिड के सामने बेस की तरह बिहेव करते हैं और बेस के सामने एसिड की तरह, इसीलिए इसे मैंने एम्फोटेरिक कहा। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, डू यू नो बोरॉन नाइट्राइड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था इसे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी कहता है, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट।
आई होप आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है रिएक्शन विथ वाटर, तो अब हम पढ़ने वाले हैं पानी के साथ अभिक्रिया, पानी के साथ रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15 आर अनअफेक्टेड बाय वाटर, मतलब बहुत सारे एलिमेंट जो है उनका वाटर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मीन्स बेसिकली दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, और यू कैन से दे डू नॉट इंटरटेन वाटर, एज सिंपल एज दैट। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ वाटर ऑन हीटिंग एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है जब हम उसे गर्म करते हैं, जब हम उसे क्या करते हैं गर्म, एंड क्या बना देता है वो हाइड्रोक्साइड। बट याद रखना एल्यूमिनियम के ऊपर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म नहीं होनी चाहिए। कौन सी फिल्म? जी हाँ, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म। अगर एल्यूमिनियम के ऊपर ऑलरेडी कोटिंग है, ऑलरेडी कोटिंग है Al2O3 की, तो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। और ये समॉट अराउंड बहुत ही पतली सी एक लेयर होती है एल्यूमिनियम के ऊपर, मैं उसका साइज़ बताने जा रहा था, फिर मैंने सोचा स्टेट बोर्ड है तो उतने डिटेल में डेटा देके कुछ मतलब नहीं है। तो एक पतली सी लेयर होती है, अगर इस लेयर को हम निकाल दें, उस लेयर को निकालने का भी तरीका है बहुत सारा, तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन देखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम सॉलिड स्टेट में रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, और उसने दे दिया एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड जो कि एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, और लिब्रेशन हो गया हाइड्रोजन गैस का। ओके, और यहाँ पे लिखा है वाइल टिन रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म ऑक्साइड, और टिन ने किसके साथ रिएक्ट कर लिया? जी हाँ, ऑक्साइड के, टीन ने रिएक्ट कर लिया स्टीम के साथ। स्टीम मतलब वेपर प्लस हीट, मतलब भाप, वेपर प्लस हीट। ओके, वेपर के साथ हीट एनर्जी होती है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड, लेड जो है वो अनअफेक्टेड होता है। क्यों अनअफेक्टेड है? क्योंकि जैसे मैंने बताया एल्यूमिनियम के ऊपर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म है, ठीक उसी तरह से लेड के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म होती है। बट मैं यहाँ पे एक इंफॉर्मेटिंग चीज़ आपको बता दूंगा कि जो लेड है वो पानी के अंदर डिजॉल्व होता है अगर पानी के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो ये बना देगा PbOH2। तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो लेड का रिएक्शन दिखाती है। अगर पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है तो लेड रिएक्ट करके PbOH2 बना देगा। चलिए अब इसे बैलेंस भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 Pb आया और ये 2H2O, तो 2 PbOH2, और इस फेनोमेना को कहते हैं प्लम्बो सॉल्वेंसी। क्या कहते हैं? प्लम्बो सॉल्वेंसी। मेरे साइड से होगा तो मैं आपको जो थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है वो देने की कोशिश करूँगा, हालांकि मैं खुद को स्टेट बोर्ड तक ही लिमिटेड रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो हैं जो कि सिर्फ CET में इंटरेस्टेड हैं, बट अदर देन दैट दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टू JEE एंड ऑल दैट, तो उनके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो काफ़ी सारी बनाकर रखी हुई है। तो आई होप आप समझ सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ था जो ज़रूरी था, और शायद प्रीवियस एंट्रेंस में पूछ चुका है इसीलिए मैंने बता दिया। अब आगे देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? फॉस्फोरस स्टोर्ड अंडर वाटर बिकॉज इट कैचेज फायर वेन एक्सपोज टू एयर। जो फॉस्फोरस है उसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें मेनली जो वाइट फॉस्फोरस है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सर ये वाइट कहाँ से आ गया? जी हाँ, फॉस्फोरस के 3 एलोट्रॉप होते हैं, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस, जिसमें से वाइट काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब वो क्यों होता है उसका भी रीज़न है, बट यहाँ पे आप जान लीजिए कि वाइट फॉस्फोरस को हम लोग पानी में डाल के रखते हैं क्योंकि वाइट फॉस्फोरस हवा से रिएक्ट करके फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बना देता है, जिसे हम लिख सकते हैं P2O5, ठीक है, और ग्लो करता है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं केमी ल्यूमिनेसेंस। क्या बोलते हैं? केमी ल्यूमिनेसेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं आगे रिएक्शन विद हेलोजन, हेलोजन के साथ अभिक्रिया। हेलोजन कौन होते हैं? जी हाँ, हेलोजन होते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और लास्ट में आता है एस्टेटाइन, लेकिन हम उसका रिएक्शन नहीं देखते क्योंकि वो होता है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसीलिए हमें सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की पढ़ाई करनी है। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है फर्स्ट क्लास बिरयानी I8, फर्स्ट क्लास बिरयानी I8। आप आई होप आप समझ सकते हैं। अब इसमें देखिए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 रिएक्ट्स विथ डायरेक्टली विथ हेलोजन एंड फॉर्म ट्राइलाइट्स। ग्रुप 13 के सारे जो मेंबर हैं वो हेलोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर लेते हैं और क्या बना देते हैं? ट्राइहेलाइट। थैलियम इज अ एक्सेप्शन विच फॉर्म्स मोनोहेलाइट, मोनोहेलाइट TLX। लेकिन सर आपने तो थोड़ी देर पहले TLF3
TlCl3, ये सर भी सारे लिख डाले थे। हाँ बच्चों ये बनते हैं लेकिन ये स्टेबल नहीं होते, ये टूट के किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, जी हाँ मोनोहैलाइड में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे थैलियम ये एक्सेप्शन बिहेवियर क्यों दे रहा है। तो देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली बच्चे ऐसे मान लेते हैं कि हर जगह एक्सेप्शन आता है, जी नहीं एक्सेप्शन नहीं है वो, उसका बकायदा रीज़न है लेकिन वो आपके लेवल पे बताया नहीं जा सकता क्योंकि उसकी जो असली रीजनिंग है वो हायर स्टैंडर्ड में होती है। तो हमें सिर्फ आपको कंसेप्ट बताना होता है और जो असली रीजनिंग है वो आप पढ़ते हैं हायर स्टैंडर्ड में। साइंस है तो प्यारे बच्चों एक बात मान के चलिए कि हर एक चीज़ का रीज़न है, बिना रीज़न के साइंस नहीं होती, ठीक है। ये तो कॉमर्स में ऐसा होता है कि उसमें हर एक चीज़ का रीज़न नहीं दिया जाता। अब बुरा मत मान जाइएगा अगर आपके कोई भाई बहन या कोई प्रियवन कॉमर्स फील्ड में है कि सर हमारे ऐसा बोलते हैं, बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों। यहाँ पे तो रीज़न है जो Th+1 दिखाता है वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर आप फिर से सुनना चाहते हैं तो वीडियो को बैक में लेके जाइए और फिर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आगे देखिए ऑल द एलिमेंट्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स का रिएक्शन दिखा हेलोजन के साथ और EX3 बन गया, ये कैसे, जी हाँ E+ एंड X-1, तो ये क्या बन गया E3+ और X-1, तो ये हो गया 3, ये हो गया 1, तो ये हो गया EX3। सर यहाँ पे +1 क्यों, यहाँ पे +3 क्यों आपने दिखा, जी हाँ मैंने बताया ना कि ये जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये सिर्फ लोअर वाले मेंबर में दिखेगा। लोअर वाला मेंबर कौन, जी हाँ थैलियम। बाकी तो सारे जो मेंबर हैं वो तो दिखाएंगे प्लस प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट को, किसकी वजह से, जी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 एक्सेप्ट कार्बन रिएक्ट डायरेक्टली विथ हेलोजन टू फॉर्म हेलाइड। अब आगे देख लेते हैं इसमें भी, तो यहाँ पे देखिए दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है टेट्रा हेलाइड EX4, कैसे, इनकी जो ग्रुप वैलेंसी है वो +4 है और हेलोजन क्या हो जाएगा, जी -1, तो यहाँ पे हो गया 4 और ये 1, तो ये हो गया EX4। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों नहीं कार्बन डायरेक्टली रिएक्ट होता है हेलोजन से। तो प्यारे बच्चों उसके पीछे जो रीज़न है वो बड़ा सिंपल सा है कि कार्बन का जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है, कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का, वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। मतलब कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड होता है और इसीलिए कार्बन जनरली हेलोजन से रिएक्ट नहीं करता। इन शॉर्ट मैं बोलना चाहूँगा कि कार्बन जो होता है वो एलोट्रॉप होता है उसका, वो ग्राफाइट डायमंड और फ्यूलरीन होते हैं और उनका लैटिस स्ट्रक्चर मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और उनके बीच का इंटर पार्टिकल फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होता है जिसके वजह से वो हेलोजन से रिएक्ट नहीं करते। लेकिन अगर आपको हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाना है तो आप उसे गर्म करके ज़रूर रिएक्ट करा सकते हैं। आपको टेम्परेचर को बहुत हाई करना पड़ेगा और हेलोजन के साथ आपको रिएक्टिविटी दिखेगी प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखिए द हेवी एलिमेंट्स जर्मेनियम एंड लेड फॉर्म डाईहैलाइड एज वेल, मतलब जो कार्बन फैमिली के एलिमेंट हैं वो डाईहैलाइड भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वो डाईहैलाइड भी बनाते हैं क्योंकि क्योंकि लोअर मेंबर जो हैं वो +2 दिखाएंगे, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। स्टेबिलिटी ऑफ डाईहैलाइड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, जी हाँ क्यों इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, सिंपल सा रीज़न वही चल रहा है बार बार, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। द आयनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स ऑल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्यों ऐसा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्यारे बच्चों कम हो जाती है और जब दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो तो हम कहते हैं उनके बीच में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो जो नीचे वाले मेंबर आएंगे उनका साइज़ बड़ा होगा, उनका साइज़ बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो जब वो हेलोजन के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे तो वो कंपाउंड के अंदर आयनिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया गया है, प्रॉब्लम 9.5, तो चलिए देखते हैं क्या है ये प्रॉब्लम। GCl4 इज़ मोर स्टेबल दैन GCl2 वाइल PbCl2 इज़ मोर स्टेबल दैन PbCl4। तो देखिए प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे आपको दोनों लिख के दे देता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, जिससे आपका कंसेप्ट अच्छा रहेगा। मैं आपको पहले पहले कार्बन फैमिली का
स्टेबिलिटी ऑर्डर बता देता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो यहाँ पे देखिए गैलियम है, सॉरी जर्मेनियम है, फिर टिन है और फिर कौन है लेड। तो हम सब जानते हैं डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ प्लस फोर कंपाउंड डिक्रीजेस। सपोज ये भी प्लस फोर में है, ये भी प्लस फोर में है और लेड भी प्लस फोर में है। चलिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। सपोज़ ये है जी ई सी एल फोर, ये है एस एन सी एल फोर और ये है पी बी सी एल फोर। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे होगा प्यारे बच्चों? जी हाँ, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा कुछ इस तरह से। मतलब क्या है, जर्मेनियम जो प्लस फोर में है वो लेड के प्लस फोर कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन सर आपने तो बोला कि लेड प्लस फोर दिखाता ही नहीं। बच्चों ये कंपाउंड बनता है लेकिन ये आगे चल के पी बी सी एल टू में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्लोरीन को रिलीज़ कर देगा। और यहाँ पे लेड काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक इसी तरह से जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ प्लस टू है, मान लीजिए अगर ऐसा हुआ जी ई सी एल टू एस एन सी एल टू और यहाँ पे आ गया पी बी सी एल टू, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऐसे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इसमें जो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबका टू है। मैं ये मान के चल रहा हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता है, और नहीं आता तो ऐसे निकाल लीजिए। ये हो गया जी ई सी एल फोर, तो जी ई का ले लीजिए एक्स प्लस फोर। फोर क्या है जी? यहाँ पे फोर क्लोरीन एटम है और हर एक क्लोरीन का माइनस वन, तो टोटल इज ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस फोर। ठीक इसी तरह से आप किसका निकाल सकते हैं? जी हाँ, ये डाइहेलोजन वाले कंपाउंड, मतलब जिसमें दो हेलोजन हैं। तो जी सी एल टू ही ले लेता हूँ वापस। इसका क्या ले लिया? एक्स प्लस टू इंटू माइनस वन, टोटल इज ज़ीरो, सो एक्स इज प्लस टू। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो कार्बन फैमिली का है, ये सेम ऐसा बोरॉन फैमिली में भी होता है और नाइट्रोजन फैमिली में भी होता है। तो अगर मैं बोरॉन फैमिली आपको दिखाऊँ तो बोरॉन फैमिली का बता देता हूँ, आप नाइट्रोजन का खुद प्रडिक्ट कर लीजिएगा। गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो अगर इनके फोर सॉरी प्लस थ्री वाले कंपाउंड आप देख रहे हैं, क्योंकि इनकी जनरली ग्रुप वैलेंसी थ्री है, तो अगर इनका आप प्लस थ्री वाला कंपाउंड देख रहे हैं, हालांकि अब मैं यहाँ पे कंपाउंड नहीं लिखूँगा, तो इनमें जो इनकी स्टेबिलिटी की ऑर्डर होती है वो ये होती है। जी हाँ, ये किसका? जी ये प्लस थ्री का। और आगे देखिए, अगर गैलियम प्लस वन का कोई कंपाउंड है और है इंडियम प्लस वन का कंपाउंड और है थैलियम प्लस वन का कंपाउंड, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कुछ ऐसी हो जाएगी। इन सब का कारण बेटा एक ही है, कौन सा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप उसे बार बार पढ़िए, जितना हो सके डिटेल में जानने की कोशिश कीजिए, और जो भी डाउट आता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं थियोरेटिकल पार्ट की तरफ। तो देखिए यहाँ पे जर्मेनियम एंड लेड आर फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड एलिमेंट, फिफ्थ पीरियड एलिमेंट। देखिए यहाँ पे जर्मेनियम फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड एलिमेंट डाउन द ग्रुप 14, डाउन द ग्रुप 14, द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 14 इज फोर। उसका जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट फोर है एंड स्टेबिलिटी ऑफ अदर ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर बाय टू यूनिट्स। हम सब जानते हैं जैसे जैसे नीचे जाते हैं जो स्टेबिलिटी होती है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की ज़्यादा होती है, और ग्रुप 14 में जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो प्लस फोर है और बाकी का जो मेंबर दिखाते हैं वो प्लस टू है। क्यों? क्योंकि नीचे के मेंबर प्लस टू दिखाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो 6s का इलेक्ट्रॉन है जी, किसका? 6s का। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिस्टेक है प्यारे बच्चों, उसको मैं करेक्ट करना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा है जर्मेनियम एंड लेड आर फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड एलिमेंट, जो कि गलत है। ये है फोर्थ एंड सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट डाउन द ग्रुप 14। द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 14 इज फोर एंड स्टेबिलिटी ऑफ अदर ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर बाई टू यूनिट्स इंक्रीजेस। मतलब प्लस टू की स्टेबिलिटी जो डाउन द ग्रुप है वो बढ़ती है और प्लस फोर की स्टेबिलिटी कम हो जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट टू इज़ मोर इन पी बी दैन इन जर्मेनियम। तो जर्मेनियम के में जो प्लस टू वाले ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड हैं उनकी स्टेबिलिटी
लेड के प्लस टू वाले ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड से कम होती है। अगर इसी का मैं ऑपोजिट लूँ और मैं ऐसे कह दूँ कि GeCl4 और PbCl4 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आपका दिमाग एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि GE के प्लस फोर वाले कंपाउंड लेड के प्लस फोर वाले कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल होते हैं प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि जी में जो इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखता है वो कम दिखता है। हालांकि इनर्ट पेयर इफेक्ट जर्मेनियम और लेड दोनों में है, लेकिन डोमिनेटिंग किस में है? जी हाँ, लेड में, क्योंकि लेड की शील्डिंग काफ़ी ख़राब होती है क्योंकि इसमें 4F है और 5D है, जबकि जबकि जर्मेनियम में इतनी ख़राब नहीं होती। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कुछ इस तरह से आएगी। अब आगे देखिए, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 रिएक्ट्स विथ हेलोजन टू फॉर्म टू सीरीज। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 रिएक्ट्स विथ हेलोजन टू फॉर्म टू सीरीज ऑफ हैलाइड। जो ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं वो हेलोजन से रिएक्ट करके दो टाइप के हैलाइड बनाता है। हैलाइड मतलब कंपाउंड ऑफ हेलोजन, एक EX3 और एक EX5। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस फाइव है और जो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट है अदर देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट वो प्लस थ्री है। तो उन लोगों ने तीन वाला बनाया और पाँच वाला बनाया, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखिए, द पेंटाहैलाइड्स पजेस मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर ड्यू टू अवेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल फॉर बॉन्डिंग, वैलेंस शेल फॉर बॉन्डिंग। इनके कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि जो पेंटाहैलाइड्स होंगे उनमें उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। किसके कंपेयर में? जी हाँ, प्लस थ्री वाले, मतलब ट्राहैलाइड के कंपेयर में। ठीक है, नाइट्रोजन बींग सेकेंड पीरियड एलिमेंट डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल, उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है वैलेंस शेल में एंड देयरफॉर डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड। नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बना सकता क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2, 2s2 और वो 2p3 ही है। मतलब p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, 2 और 3। तो वो मैक्सिमम s में तो दो इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम उसकी कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? जी हाँ, 4। अब सर ये कोवेलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फाउंड बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। कोवेलेंसी पे प्यारे बच्चों हमारा एकदम डिटेल में एक वीडियो बना हुआ है, आपको वो ज़रूर पसंद आएगा, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में। अगर आपको कोवेलेंसी जानना है तो उसे जाके देख लीजिए। अब यहाँ पे तीन जो बॉन्ड हैं ये तो पी के तीन इलेक्ट्रॉन से बनेंगे और साथ में ये एस के भी दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ट्राहैलाइड्स ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर प्रीडोमिनेंटली, ग्रुप 15 एलिमेंट आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट एक्सेप्ट BiF3, क्योंकि BiF3 में जो Bi है ये मेटल है, ये मेटल है। द ओनली स्टेबल हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन इज NF3। अब यहाँ पे हमें देखना होगा जो सिर्फ स्टेबल हैलाइड यहाँ पे ये बोल रहे हैं उसमें सबसे जो स्टेबल इन्होंने बताया है वो NF3 है। तो चलिए उसे मैं थोड़ा क्लीन करके आपको दिखा देता हूँ कि मुझे भी डाउट आ रहा है कि मैंने अभी थोड़े देर पहले बोला क्या है, ऐसा ना हो कुछ गलत बोल दिया हो। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, NF3। ठीक है, अब इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोली है मैं उसे थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 रिएक्ट्स विद हैलोजन टू फॉर्म टू सीरीज ऑफ हैलाइड EX3 एंड EX5। द पेंटाहैलाइड पजेस मोर कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर टू अवेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल फॉर बॉन्डिंग। इसके लिए मैं थोड़ा एक अलग एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, अब इन लोगों ने क्या बोला है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे EX3 है और यहाँ पे क्या है, जी हाँ EX5। सपोज़ ये पेंटाहैलाइड है, तो अब यहाँ पे अगर इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पे मान लीजिए E3+ हो गया तो और यहाँ पे क्या बन जाएगा, X-। हालांकि ऐसे X-3 होंगे बट मैं एक से ही आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक उसी तरह से EX5 में मैं आपको एक ही हेलोजन से एक्सप्लेन कर दूँगा, हेलोजन नहीं हैलाइड आयन, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखिए ज़रा यहाँ पे, अब ये E3+ है तो E3+ के ऊपर इस E3+ का साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा है किसके कंपेयर में, जी हाँ E+5 के कंपेयर में। तो यहाँ पे E कौन सा है, जी हाँ मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये 3+ है और ये क्या है, जी हाँ ये E5+ है। और जो अनायन है सपोज़ का मान लीजिए साइज़ इतना बड़ा है, ये अनायन का साइज़ है। तो अब ये क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? जग जानता है जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, तो ये खींचेगा तो कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, जी हाँ शेयरिंग कैरेक्टर।
मतलब ऐसा लग रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करना चाहते हैं, और शेयरिंग कैरेक्टर आया मतलब क्या, जी हाँ कोवेलेंट कैरेक्टर। अब यहाँ पे भी वही चीज़ लेता हूँ, अब ये देखिए यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, हेलोजन का तो साइज़ ऑलमोस्ट सेम होगा अगर आपने सेम हेलोजन लिया है तो दोनों में। अब ज़रा देखिए, अब बताइए इसमें खींचने की ताकत किसकी ज़्यादा होगी, जी हाँ E+5 की खींचने की ताकत ज़्यादा होगी, मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इसका शेयरिंग कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, मतलब E3 के कंपेयर में, E3+ के कंपेयर में E+5 का खींचने का जो ताकत है वो ज़्यादा होगा, मतलब शेयरिंग कैरेक्टर ज़्यादा होगा, मतलब इसका कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब स्मॉलर द चार्ज ऑफ कटायन मोर विल बी इट्स कोवेलेंट कैरेक्टर। और ये मैंने नहीं प्यारे बच्चों, ये काफ़ी महान साइंटिस्ट जिनका नाम है फजान, उन्होंने दिया था फजान रूल के फॉर्म में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम दिया है, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म NCl5 और डज नॉट फॉर्म NCl5 और NF5 बट फॉस्फोरस कैन। अब सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन इसलिए नहीं 5 बना सकता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो भाई डी ऑर्बिटल है ही नहीं, बट फॉस्फोरस के पास तो प्यारे बच्चों डी ऑर्बिटल है ना। मैंने नाइट्रोजन के डी ऑर्बिटल नहीं है उसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं, जो भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं उनमें किसी के पास डी ऑर्बिटल नहीं होती। अब फॉस्फोरस में कैसे, जी हाँ अगर आप फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो कैसे है, फॉस्फोरस है 15, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कुछ इस तरह से, जो कि है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और ये 3p3। तो जब 3p आ ही गया है तो अब इसमें 3d भी आता ही है प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा 3d, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 और p में कितने, जी हाँ 3, और यहाँ पे d भी होगी, d के कितने ऑर्बिटल, जी हाँ 5। तो आप देख रहे हैं ये मैं फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन को लिख देता हूँ। अब ये तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ये ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में मतलब जब फॉस्फोरस एटम अलोन होता है। अब आता है नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जब फॉस्फोरस एटम को दूसरे एटम अप्रोच करेंगे, और जैसे ही फॉस्फोरस को जब दूसरे एटम अप्रोच करेंगे तो फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन के बीच में, फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन के बीच में और जो एटम अप्रोच कर रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगा, जी हाँ प्यारे बच्चों उनके बीच में हो जाएगा रिपल्शन, क्या हो जाएगा रिपल्शन, और उसी रिपल्शन से एनर्जी निकलेगी और वो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जंप करा देगी। तो ये आ गया एक्साइटेड स्टेट, तो देखिए कैसे एक इलेक्ट्रॉन चला गया डी ऑर्बिटल में, इसीलिए इसीलिए इन पांचों को ओवरलैप कर देगा कौन, जी हाँ फ्लोरीन या फिर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। अगर आपको PCl5 बनाना है तो एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर PF5 बनाना है तो ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए कैसे पेंटाहेलाइड बन गया, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आपको हमारी वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको कोई चैप्टर चाहिए दूसरा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और अपने फ्रेंड्स तक जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि आपका जितना अच्छा रिस्पांस होगा उतना ही मैं ट्राई करूँगा कि चैप्टर्स को ख़त्म करने की कोशिश करूँ एज सुन एज पॉसिबल। सो आई होप यू इन्जॉयड द सेशन, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।